दिनों पेड़वा क्षेत्र में बक्सा विकास खंड के वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी रही मिस इंडिया रनर दीक्षा सिंह चुनाव हार गई है। वहां से भाजपा समर्थित नगीना सिंह पत्नी वीरेंद्र प्रताप सिंह करीब 2200 वोट से चुनाव जीत गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि दीक्षा ने वार्ड संख्या 26 बक्सा से जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा खरीदा था। बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमा चुकी एक्ट्रेस ने चुनाव से पूर्व गांव-गांव जाकर प्रचार किया था। बक्सा विकास खंड क्षेत्र के चितौड़ी गांव निवासी जितेंद्र सिंह की बेटी दीक्षा सिंह फेमिना मिस इंडिया 2015 में रनर अप थी, मगर गांव आकर लोगों की सेवा की मंशा से चुनाव के मैदान में वह उतरी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान पूर्वांचल से वो एकमात्र ग्लैमरस चेहरा रही थी। चुनाव के नामांकन के दौरान ही उनका चेहरा इंटरनेट मीडिया में काफ़ी चर्चा बटोर रहा था। हालांकि मिस इंडिया रनरअप दीक्षा सिंह का ग्लैमर नहीं चला और उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इसी के साथ आपको बता दें कि जौनपुर जिले में बक्सा विकास खंड के वार्ड नंबर 26 जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी रही मिस इंडिया रनर दीक्षा सिंह के काम ग्लैमर नहीं आ सका और तीसरे स्थान से उनको संतोष करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद उनके चाहने वालों में काफ़ी निराशा भी रही। इस सीट पर बीजेपी समर्थित नगीना सिंह पत्नी वीरेंद्र प्रताप सिंह करीब 2200 वोट से चुनाव जीत गई। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी संजू देवी को हराया जो दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं तीसरा स्थान दीक्षा सिंह को मिला। मुंबई के साथ ही गोवा में भी पली बड़ी मिस इंडिया रनरअप रही दीक्षा सिंह ने जौनपुर में पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए वार्ड संख्या 26 से निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा कलेक्ट्रेट सीआरओ कोर्ट में दाखिला किया था। इससे पहले दीक्षा सिंह ने माँ शीतला चौकिया धाम में पूजा अर्चना कर अपनी जीत की कामना की थी। साल 2015 में मिस इंडिया रनरअप रही दीक्षा सिंह जौनपुर निवासी गोवा के उद्योगपति जितेंद्र सिंह की बेटी है। वह 2015 के फेमिना मिस इंडिया की रनरअप रह चुकी है। इसके बाद फिल्म और कुछ चर्चित एडवर्टीजमेंट में उन्होंने काम किया है। दरअसल पहले इनके पिता अपने लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। जब से जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी महिला सामान्य होने की वजह से आरक्षण में बदलाव हुआ तो पिता ने बेटी को चुनाव के मैदान में उतार दिया था। वहीं क्षेत्र में दीक्षा की हार के अटकलें भी खूब चली। माना जा रहा है कि अचानक मुंबई से आकर चुनाव में उतरना ही उनकी हार की वजह बना। दीक्षा जौनपुर में बहुत ही कम समय के लिए रही है और उनके ग्लैमर के आगे जिले से कम जुड़ाव ही उनकी हार की वजह बना है, जबकि तीसरे स्थान पर रहने से उनकी जीत को लेकर आश्वस्त रहे लोग भी काफी हैरान हैं। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।